हिंदुस्तान आजादी के लिए क्या मिला आपको इस आजादी से? जिस गांधी की तस्वीर लगा रखी है वो उसे नहीं पहचानते तो आप क्या है? अरे पहचान सकता हम किसी दूसरे की अमानत है? नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। अरे क्या कर लेंगे ये लोग? मार देंगे मुझे, फांसी चढ़ा देंगे, मर जाऊंगा। नहीं जीना ना मर्दों की तरह, ना पुंछों की तरह। मेरे सामने तुम्हें कोई हाथ लगा मैं देखा रहा हूँ। अरे काट दूंगा इन लोगों को। कहाँ थे ये लोग जब उन लोगों ने मेरे बाबूजी को कुत्ता बनाया? क्या इस सत्य जीना पावे? इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो टोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें नहीं होता। ओए, अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं, इसलिए क्योंकि एक अच्छे इंसान है। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। काटिया काप क्यों रहा है खान? मौत का खेल तो शौक है ना तेरा? देवा मैं, तूने तो इस शहर में लोगों को खुले आम मारा है, तो तेरी मौत इस बंद कमरे में कैसे हो सकती है? डर लग रहा है तो दौड़, अगर दौड़ तुझे तेरी मौत से दूर ले जा सकती है तो दौड़ दौड़ दौड़। को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते देखा है क्या? कुछ तारे ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है, एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। रोमन चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं,
मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द से लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हाँ, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। विलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में ये कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने ये साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्डा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली। नहीं तो उसी दिन में लॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले सामनी को पागल बनाकर पागल खाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला, रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा।